नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐप बनाना सिखाऊंगा और इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप सोचेंगे कि ऐप बनाना कितना इजी होता है। मात्र 10 मिनट के अंदर आप अपना खुद का ऐप बनाना सीख जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप बनाने के लिए यहाँ गूगल पे जाके लिखना है MIT ऐप इन्वेंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया MIT ऐप इन्वेंटर। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक सबसे पहली वेबसाइट आएगी MIT ऐप इन्वेंटर। तो appinventor.mit.edu आप इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके सामने ये MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट ऐप क्लिक कर दिया है। और क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद आपसे बोलेगा कि साइन इन कीजिए। तो साइन इन आप गूगल के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर रहा हूँ, तो मैंने अपने यहाँ पे गूगल अकाउंट से साइन इन कर लिया है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा ऐप बना के दिखाऊंगा और इस ऐप का नाम मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे। अच्छा, मैं ये कैलकुलेटर बनाऊंगा, इसमें मैं दो इनपुट्स लूँगा और उन दोनों इनपुट का सम मैं करके दिखाऊंगा। आप सम के चाहे सम की जगह पे चाहे आप माइनस कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप डिवीजन कर सकते हैं किन्हीं दो नंबरों का, आप चाहें तो कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक एडिशन का प्रोग्राम बना के बताऊँगा। तो मैं एक नया ऐप बनाता हूँ। तो ऐप बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे अपने ऐप का नाम डालना है। तो मैं अपने ऐप का नाम डालता हूँ एडिशन। तो मैंने यहाँ पे एडिशन नाम का एक ऐप बनाया है। जब आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आपको एडिशन ऐप दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम एडिशन ऐप किया। मैंने कैसे किया, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे जा करके और प्रोजेक्ट का नाम मैंने डाल दिया एडिशन। तो यहाँ पे मैंने ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा, देखिए यहाँ पे एक एडिशन नाम का ऐप आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। ये MIT ऐप इन्वेंटर का कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से दिखता है। ये आपका पैलेट सेक्शन है, ये आपका व्यूअर सेक्शन है, ये आपका कंपोनेंट सेक्शन है और ये प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पे आपके वेरियस कंपोनेंट्स रहेंगे, यहाँ पे आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे और इस कंपोनेंट को उठा करके आपको इस व्यूअर स्क्रीन में आपको प्लेस करना है। तो ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये आपका जो स्क्रीन है ये फ्रंट एंड स्क्रीन है और इसके पीछे इसकी बैकेंड स्क्रीन होती है। जब आप ये डिज़ाइनर की जगह पे ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकेंड स्क्रीन है। यहाँ पे आपको आपकी सारी ब्लॉक मेथड से आपको यहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो वापस से मैं डिज़ाइनर सेक्शन पे जाऊँगा और डिज़ाइनर सेक्शन में अब यहाँ पे मैं अपना ऐप बनाना शुरू करूँगा। तो देख लीजिए, पहले मैं आपको बता दूँ, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस में आपके पास बटन होता है, चेकबॉक्स होता है, डेट पिकर होता है, इमेज होता है, लेबल होता है, लिस्ट पिकर होता है, लिस्ट व्यू होता है, नोटिफायर होता है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होता है, स्लाइडर होता है, स्पिनर होता है, स्विच होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, टाइम पिकर होता है, वेब व्यूअर होता है। ये सारे हमारे यूज़र इंटरफेस हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे ये लेआउट हैं। लेआउट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट, ये हमारा लेआउट है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास मीडिया सेक्शन है, ड्राइंग एंड एनिमेशन सेक्शन है, मैप सेक्शन है, अगर आपको मैप एक्सेस करना है तो आप मैप सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। सेंसर है, सेंसर में आपके पास कुछ ये वेरियस सेंसर्स हैं। सोशल मीडिया में जैसे आपके पास ट्विटर है, टेक्स्टिंग है, शेयरिंग है, ये सोशल मीडिया है आपके पास। स्टोरेज में आपके पास क्लाउड DB है, फाइल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। तो आइए हम बताता हूँ। ये व्यूअर सेक्शन हो गया, उसके बाद ये कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप इस व्यूअर सेक्शन में डालेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे अभी ये स्क्रीन की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट पर जाएंगे और लेआउट पर जाके, चूँकि हमें एडिशन ऑफ टू नंबर करना है, तो हम लेआउट पर जा करके एक सबसे पहले एक लेबल लगा देते हैं और बताते हैं कि हम अपने ऐप में क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल लगा दिया है। इस लेबल को मैं फिल विड्थ जो है इसकी फिल पैरेंट कर दूंगा, मतलब ये पूरे विड्थ वाइज पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा और जो मैं इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट रखूँगा उसको सेंटर पर रखूँगा और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 25 का करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ
टू इनपुट्स, टू नंबर्स दे लेता हूँ, टू नंबर्स, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और इसका मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ रेड से, बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो मैं येलो डाल देता हूँ, और इटैलिक चाहें तो आप इटैलिक भी दे सकते हैं, तो मैं इटैलिक रहने देता हूँ, और आप चाहें तो इसका फॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ये आप देखिएगा, आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का टाइप को, तो मैं ये रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब मुझे क्या करना है कि एक लेआउट लेना है, और हॉरिजॉन्टल लेआउट को मैं ले लेता हूँ, और इस हॉरिजॉन्टल लेआउट में सबसे पहले मैं एक लेबल डालता हूँ, और हॉरिजॉन्टल लेआउट देखिए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लेआउट पे करा तो मेरे को यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं। तो अब मैं इसकी विड्थ को फिल पैरेंट कर देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल लेआउट पे लेवल टू लगाया, तो लेवल टू पे जो टेक्स्ट है उसको मैं 20 कर देता हूँ, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसकी यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और इस पे लिखता हूँ मैं आपका इनपुट वन, इनपुट वन, ठीक है। तो इनपुट वन, और इसके फॉन्ट को भी मैं शेरिफ कर देता हूँ, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट कलर को चलिए ब्लैक ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ डाल दूँगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की से देखिए यहाँ पे ये क्लिक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी, तो मैं इसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट कर दूँगा, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ताकि मेरे पास सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर पे रहे। देखिए ये सेंटर पे आ गई है। अब यहाँ पे वापस से मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आया हूँ, इसको मैंने फिल पैरेंट कर दिया है, और हिंट मैं हटा देता हूँ नहीं तो वो आपको दिखता रहेगा, और इसको मैं नंबर्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एडिशन हमेशा नंबर्स का ही करना है, तो मैंने नंबर्स लिख दिया है। तो देखिए ये इनपुट वन आ गया पहला नंबर। अब मैं फिर से एक और लेआउट लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मैंने क्लिक कर दिया है, और इसकी प्रॉपर्टी देखिए अब यहाँ पे आ गई, तो उसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट करूँगा, ये फिल पैरेंट कर दिया है, और यहाँ पे अब मैंने यूज़र इंटरफेस किया, और सबसे पहले मैं एक लेबल लूँगा, लेबल को मैंने यहाँ डाल दिया, और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स को उठा करके मैंने यहाँ डाल दिया। सिमिलरली अब इस लेबल को मैं 20 का साइज़ करूँगा, ये मैंने 20 कर दिया। अब फिर मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का मैंने सेंटर कर देता हूँ, और इसका लेबल 3 का मैं फॉन्ट जो है वो शेरिफ कर देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट 2, इनपुट 2। तो ये देखिए ये मैंने इनपुट 2 कर दिया है, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं पिंक से ही कर देता हूँ, और अब मैं आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे, इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ फिल पैरेंट, तो ये फिल पैरेंट कर दिया है मैंने। अच्छा, इसको भी मैं नंबर्स ओनली कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर्स ही आने हैं यहाँ पे भी रिज़ल्ट। और नेक्स्ट अब मेरे पास दो नंबर आ गए, ये पहला नंबर यहाँ लिखूँगा, दूसरा नंबर यहाँ लिखूँगा, और तीसरे नंबर जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए भी मैं बना देता हूँ। तो एक मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ भी ले लूँगा, और इसकी देखिए अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टी यहाँ दिखेगी, इसको मैंने अब फिल पैरेंट करूँगा, और यहाँ पे करने के बाद अब मैं यूज़र इंटरफेस में जाऊँगा, अगेन मैं एक लेबल लूँगा और एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अच्छा, मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी मैं इसको सेंटर पे कर दूँगा, और अब लेबल को मैं फॉन्ट साइज 20 करूँगा, और ये बोल्ड रहना चाहिए, शेरिफ रहना चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट ये हो गया, और इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ पिंक। और अब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ, इसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ, हिंट को मैं हटा देता हूँ, फॉन्ट साइज़ को मैं 20 कर देता हूँ, और बस हो गया। इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे
ये दोनों ऑप्शन आ गया, रिजल्ट मुझे यहाँ दिखेगा। अब मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा जिसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इन दोनों की वैल्यू को वो एडिशन करेगा। तो उसके लिए भी मैं फिर से एक लेआउट लूँगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लगाऊँगा। इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की मैं विड्थ को कर दूँगा फिल पैरेंट, और इस पर भी मैं सेंटर कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे बटन डाल दूँगा, यूज़र इंटरफेस पे बटन डाल दिया मैंने, और इस बटन का टेक्स्ट को मैं 20 कर दूँगा, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह पे प्लस का साइन बना दूँगा, और इसको मैं बोल्ड कर दूँगा, बोल्ड कर देता हूँ। और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पे एक और बटन डाल दीजिए, इसको मैं कर देता हूँ नेगेटिव के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ 20। और हालांकि ये इसका मैं, क्योंकि ये मैं एडिशन का बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दिया मैं नेगेटिव, और इसके कलर को भी मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ों को बता दिया है आपको, आप चाहें तो इसको, पहले मैं सिर्फ इसका बताऊँगा। तो ये मेरा ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इसके लिए एक एम्यूलेटर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एम्यूलेटर लिया है। तो देखिए मेरा थोड़ी देर में एम्यूलेटर स्टार्ट हो जाएगा, और ये एम्यूलेटर पर मैं ये ऐप कैसा दिखेगा वो मैं, क्योंकि बार बार आपको मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक एम्यूलेटर लिया है। और एम्यूलेटर में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसा ये ऐप दिखता है और इसकी कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरा इस तरीके से ऐप दिखेगा आपका। तो देखिए थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा ऐप, एक वर्चुअल फ़ोन यहाँ पे आ गया है, और इसमें जो है मुझे ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐप दिखेगा। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इनपुट वन इनपुट टू, रिजल्ट, और यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब मैं इसकी बैकग्राउंड ब्लॉक पे जाऊँगा, और ब्लॉक पे जा कर के मैं क्या करूँगा, अपनी कोडिंग करूँगा। तो सबसे पहले मेरा जो बटन है, बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए पेन बटन वन इज क्लिक, तो यहाँ पे मैंने कर दिया व्हेन बटन वन इज क्लिक। तो बटन वन जब क्लिक होगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए बटन वन को जब आप क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट ये है, इस टेक्स्ट बॉक्स थ्री पे जो रिज़ल्ट आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, समेशन होगा। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स नंबर थ्री पे जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स थ्री पे जाऊँगा, और यहाँ पे जा कर के मैं लिखूँगा टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स ये रहा सेट टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट, ये रहा मेरे पास सेट टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों का सम करना चाहता हूँ। तो मैथ सेक्शन में जाऊँगा, और मैथ सेक्शन में मैं एडिशन वाला पार्ट उठाऊँगा। तो मैंने ये एडिशन पार्ट उठा लिया। अब किस किस का करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स वन पे जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट पे जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैं किसके साथ एडिशन करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट बॉक्स टू पे जाऊँगा, तो टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको लूँगा टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट को मैंने कर लिया। बस ये मेरा काम शुरू हो गया। मैं नेगेटिव का भी आपको बना के बता देता हूँ। तो नेगेटिव पे क्या करना है आपको कि व्हेन बटन टू इज़ क्लिक, तो बटन टू इज़ क्लिक, ये रहा व्हेन बटन टू इज़ क्लिक, और सेट बॉक्स इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट क्या हो जाए, अब होगा क्या, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैथ सेक्शन पे जाऊँगा, और मैथ सेक्शन पे नेगेटिव पे क्लिक करूँगा। ये मेरा नेगेटिव है, और इसको मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये मेरा ऐप तैयार हो गया है। आइए ये ऐप दिखेगा कैसे इसको मैं देखते हैं। यहाँ देखिए ये मेरा ऐप है एडिशन ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले इनपुट पे जाऊँगा, मैंने डिज़ाइनर पे एक चीज़ और देखूँ, यहाँ पे इसका हिंट हटा देता हूँ। तो मैंने हिंट हटा दिया है। अब देखिए मेरा ये ऐप कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से आपका ऐप दिखेगा। देखिए तो इनपुट वन पे मैं क्या डालता हूँ, सबसे पहले मैंने टू डाला, इनपुट थ्री पे मैंने थ्री डाला। अब देखिए मैं जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए फाइव आ गया। अगर नेगेटिव क्लिक करूँगा
तो माइनस वन आ गया। तो इसको मैं 10 करके देखता हूँ, 10 में से 3 अगर मैं ऐड करूँगा तो देखिए 13 आएगा, माइनस करूँगा तो 7 आएगा। तो इस तरीके से ये मेरा ऐप फ़ोन पे दिखेगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको अपने फ़ोन में कैसे लेंगे, तो आपको अपने फ़ोन पे जाना है, आपको अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर पे लिखना है MIT App Inventor और वहाँ पे आपको एक MIT2 ऐप के नाम से एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करना है और आपको यहाँ पे बिल्ड पे जा करके APK क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, बिल्ड पे जा करके आपको एक APK बिल्ड APK पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका एक स्कैनर बार कोड जनरेट होगा और उस बार कोड जनरेट को आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के MIT ऐप इन्वेंटर से आपको क्लिक करना है, स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको ये ऐप आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा। और नहीं तो आप इसके APK को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में डाल लें और अपने फ़ोन में डालने के बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। तो ये ऐप आपको तैयार हो गया, तो ये हमारा ऐप ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस ये स्कैनर कोड आ जाए। तो ये देखिए हमारा एक QR कोड आपके सामने आएगा, तो ये देखिए ये हमारा एक बार कोड आ गया। इस बार कोड को आपको सिर्फ स्कैन करना है और स्कैन करके अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये ऐप आपका बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे मिलते जुलते ऐप्स मैं आपको और बनाता सिखाता जाऊँगा। और आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल बटन को क्लिक करके ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको आते रहे। थैंक यू वेरी मच।